हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर जिस वीडियो में होंडा एस पी 160 का कंपैरिजन बजाज पल्सर P 150 के साथ करने वाले हैं, क्योंकि एस पी 160 को भी लेटेस्ट लॉन्च किया गया है। ऐसे में इंडियन मार्केट में इस सेगमेंट में पल्सर P 150 से सीधा मुकाबला है, तो इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए। हालांकि दोनों के इंजन में लगभग 10 सीसी का अंतर है, लेकिन प्राइस में आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा और फीचर्स भी काफ़ी हद तक आपको सिमिलर देखने को मिल जाती है। तो आइए कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं कि इसमें क्या अंतर देखने को मिल जाता है, कौन सा आपको लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल परिवार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पॉइंट हमेशा की तरह जैसे कि कलर ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, तो आपको कलर ऑप्शन और डिजाइनिंग के बारे में जानकारी देंगे। तो अगर आप SP 160 लेते हैं तो इसमें आपको टोटल 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे मैट मार्बल ब्लू मेटेलिक, मैट एसिस ग्रे मेटेलिक, मैट डार्क ब्लू मेटेलिक, पर्ल स्पार्टन रेड, पर्ल इग्निशियस ब्लैक और पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे मिल जाता है। तो ये आप 6 कलर ऑप्शन दे सकते हैं, जो आपको कलर पसंद आए उसको आप ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप पल्सर P 150 लेते हैं तो इसमें भी आपको दो वेरियंट मिल जाता है, जहाँ पर सिंगल सीट और स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन दोनों में सेम कलर ऑप्शन दिए गए, 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे रेसिंग रेड कैरिबियन ब्लू, इबोनी ब्लैक रेड, इबोनी ब्लैक ब्लू और इबोनी ब्लैक व्हाइट मिल जाता है। तो ये सभी कलर ऑप्शन आप ये देख सकते हैं। बाकी इनके लुक और डिजाइनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे लुक और डिजाइनिंग आप देख सकते हैं SP 160 की, जहाँ पे इसका हेडलैम्प डिजाइन दे सकते हैं SP 125 से लिया गया, स्प्लिट हेडलैम्प मिल जाता है, बड़ा सा काउल यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी अगर साइड से भी इसका लुक देख सकते हैं, मस्कुलर टैंक मिल जाता है, टैंक की साइज थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी कर दी गई है, होंडा की बेसिंग मिल जाती है, सिंगल पीस की सीट यहाँ पे दी गई है और पीछे आपको बिना स्प्लिट ग्रेवरेल मिल जाता है। बाकी एग्जॉस्ट सिस्टम पे क्रोम कवर लगा हुआ है, नीचे इंजन कॉल भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी रियर व्यू की बात करें तो यहाँ पे इसका टेलम डिजाइनिंग भी देख सकते हैं। तो इस डिजाइन के साथ आपको SP 160 मिल जाती है, लेकिन वही अगर आप P 150 लेते हैं पल्सर, तो यहाँ पे इसका लुक आप देख सकते हैं फ्रंट से पहले, इसमें भी आपको काफी स्टाइलिश लुक के साथ हेडलैम्प मिल जाता है, लेकिन थोड़े से छोटे साइज की दी गई है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, ट्विन पायलट लैम्प भी दिया गया है। तो यहाँ पे फ्रंट से इसका हेडलैम्प देख सकते हैं, बाकी साइड से इसका लुक देख सकते हैं, टैंक डिजाइन देख सकते हैं, जहाँ पे ग्राफिक्स आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा और यहाँ पे सिंगल पीस सीट और स्प्लिट सीट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे सिंगल पीस सीट में बिना स्प्लिट आपको ग्रैबरेल मिलेगा, लेकिन अगर आप स्प्लिट सीट के साथ लेंगे तो यहाँ पे स्प्लिट ग्रैबरेल भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें नीचे इंजन कॉल भी लगा हुआ है और एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें अंडर बेली एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है, जो कि SP 160 में साइड में एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है, तो ये भी थोड़ा सा अंतर मिल जाएगा। बाकी रियर से यहाँ पे पल्सर का जो सिग्नेचर टेलम आता है स्प्लिट डिजाइन की, वही आपको देखने को मिल जाती है। तो इस लुक के साथ आपको P 150 मिल जाएगी। तो लुक वाइज जो आपको ज्यादा बेहतर लगे, जो आपको दिखने में ज्यादा अच्छा लगे, उसको आप ले सकते हैं। बाकी इनके इंजन पावर की अगर बात करें तो SP 160 में 162.71 सीसी का 4 स्ट्रोक SI फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है, लेकिन जो पल्सर P 150 है इसमें 149.68 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है। तो इनके इंजन में लगभग 10 सीसी का आपको अंतर मिल जाएगा, जिसके वजह से SP 160 का जो इंजन है 7500 RPM पर 13.4 PS का पावर, जबकि 5500 RPM पर 14.58 NRM का टॉर्जन करती है। लेकिन वही P 150 लेते हैं तो इसका इंजन 8500 RPM पर 14.5 PS का पावर, जबकि 6000 RPM पर 13.5 NRM का टॉर्जन करती है। इसके अलावा दोनों ही 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ मिल जाती है और दोनों में की को सेल्फ स्टार्टर भी दिया गया है। तो यहाँ पे इंजन पावर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी सी बढ़िया पावर पल्सर P 150 मिल जाती है, लेकिन जो टॉर्क है SP 160 की ज़्यादा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो पावर है SP 160 में थोड़ी सी कम मिल जाती है, इंजन के हिसाब से इसमें पावर थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी कम आपको पल्सर के मुकाबले में पावर देखने को मिल रही है। हालांकि टॉर्क ज़्यादा है, जिसके वजह से आपको इनिशियल पिकअप बढ़िया देखने को मिल जाएगा। वहीं के सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो SP 160 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, वहीं P 150 के भी फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। तो सेम सस्पेंशन सेटअप दोनों में आपको देखने को मिल जाती है, दोनों ही मोनोशॉक के साथ आती है। वहीं इनके टायर साइज की अगर बात करें तो SP 160 के फ्रंट में 80x100 का 17 इंच और रियर में 130x70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। तो रियर के साइड तो इस चौड़े टायर्स दिए गए हैं। बाकी P 150 लेते हैं तो सिंगल डिस्क के साथ फ्रंट में 80x100 का 17 इंच और रियर में 100x90 का 17 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप ट्विन डिस्क के साथ लेते हैं तो फ्रंट में 90x90 का 17 इंच और रियर में 110x80 का 17 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। तो टायर साइज फिर भी आपको यहाँ पे SP 160 के रियर में थोड़े से चौड़े आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो SP 160 के फ्रंट में 276mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 220mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन मिल जाता है। वहीं P 150 लेते हैं तो इसके फ्रंट में 260mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 230mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन दिया गया है। तो दोनों ही सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क के साथ आपको मिल जाती है, यानी कि फ्रंट और रियर में भी डिस्क ब्रेक दोनों मिल जाता है और ऑप्शनल भी दिया गया है, जहां पे रियर में केवल ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। वहीं ये कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं कि फीचर्स वाइज कौन से ज्यादा बेहतर है। तो SP 160 लेती है तो यहाँ पे सिंगल चैनल का ABS दिया गया है,
वहीं P150 में भी आपको सिंगल चैनल का ABS मिल जाता है। SP160 में आपको LED हेडलैम्प के साथ LED टेल लैम्प भी देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप P150 लेते हैं तो इसमें भी आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ LED पोजीशन लैम्प देखने को मिल जाती है। SP160 में फुली डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, यहाँ पे इसकी डिजाइनिंग देख सकते हैं, जहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, सर्विस ड्यू इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, स्पीड, फ्यूल, ऑडोमीटर, एवरेज माइलेज और एवरेज स्पीड भी देखने को मिल जाती है। वहीं अगर आप P150 लेते हैं तो इसमें आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले मिल जाता है, जहाँ पे आपको एनालॉग में RPM मीटर और इसके डिजिटल में स्पीड, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ऑडोमीटर, ट्रिप, ये सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो मीटर कंसोल में आपको थोड़ा सा अंतर मिल जाएगा, हालांकि दोनों ही कनेक्टेड फीचर के साथ नहीं आती है, यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर दोनों में नहीं दिया गया है। SP160 में आपको 1000 स्विच मिल जाता है। इसके अलावा SP160 में इंजन कॉल भी नीचे दिया गया है, जो कि इंजन कॉल आपको P150 में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा SP160 सिंगल पीस सीट के साथ आती है, जहाँ पे पीछे बिना स्प्लिट गैर्वरेल दिया गया है, लेकिन P150 लेते हैं तो यहाँ पे स्प्लिट सीट और सिंगल सीट दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, जो आप चाहें वो ले सकते हैं। इसके अलावा बजाज पल्सर P150 में टैंक के ऊपर USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, जहाँ से स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, जो कि आपको SP में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाती है दोनों बाइक्स में। बाकी माइलेज की अगर बात करें तो इन बाइक्स में आपको 50 से 55 तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगा। बाकी ट्रैफिक में चलाते हैं तो आपको थोड़ी सी कम माइलेज मिल सकती है, लेकिन इन बाइक्स में आपको इस सेगमेंट में अच्छी खासी माइलेज मिल जाएगी। बाकी कुछ डायमेंशंस की अगर बात करें तो होंडा SP160 का जो व्हील बेस है 1347 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 177 mm, सीट है 796 mm, फ्यूल टैंक 12 लीटर, इसका जो कर्व वेट है 139 kg सिंगल डिस्क के साथ, 141 kg डुअल डिस्क के साथ है। लेकिन वही P150 लेते हैं, इसका व्हील बेस 1352 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, सीट है 790 mm, फ्यूल टैंक 14 लीटर, इसका जो कर्व वेट है 140 kg है। तो यहाँ पे आपको बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस SP160 मिल जाता है और वेट में थोड़ा सा बस आपको अंदर देखने को मिलेगा। बाकी मेन बात आती है कौन सा आपकी बजट रेंज के अंदर आ सकती है, किसको किस प्राइस रेंज में बेचा जा रहा है। तो होंडा SP160 का जो एक्सरूम दिल्ली में प्राइस है सिंगल डिस्क के साथ 117,500, यानी कि 117,500 रुपये तक है। डुअल डिस्क के साथ एक्सरूम प्राइस 121,900, यानी कि 121,900 रुपये तक एक्सरूम प्राइस है। लेकिन वहीं बजाज पल्सर P150 लेते हैं तो इसका जो एक्सरूम दिल्ली में प्राइस है सिंगल पीस सीट के साथ 116,755, यानी कि 116,755 रुपये तक है। लेकिन इसमें भी स्प्लिट सीट यानी कि डुअल डिस्क के साथ जो इसकी एक्सरूम प्राइस है 119,757, यानी कि 119,757 रुपये तक इसकी एक्सरूम प्राइस है। तो बेसिकली इनके एक्सरूम प्राइस में आप डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको P150 थोड़ी सी सस्ती मिल रही है, इनके सिंगल डिस्क के साथ इनके प्राइस में लगभग 700-800 रुपये का आपको अंतर देखने को मिल रहा है, 700-800 रुपये तक सस्ती आपको P150 मिल रही है। बाकी अगर आप डुअल डिस्क के साथ दोनों का कंपेयर करते हैं प्राइस में तो लगभग 2100 से 2200 रुपये तक सस्ती आपको P150 देखने को मिल रही है SP160 के मुकाबले में। तो बेसिकली इनके प्राइस में यही आपको अंतर देखने को मिल जाता है। ऑन रोड प्राइस में भी इतना ही आपको अंतर देखने को मिलेगा, इसमें आप RTO प्लस इंश्योरेंस के पैसे ऐड कर सकते हैं, वो ऑन रोड प्राइस हो जाएगी। ऑन रोड प्राइस लगभग 135,000 से लेकर 140,000 रुपये तक चली जाएगी। तो इन बाइक्स को खरीदने के लिए आपके पास ऑन रोड कम से कम 135,000 से 140,000 रुपये तक होनी चाहिए, तब आप इसको खरीद पाएंगे। तो इस वीडियो में इन दोनों बाइक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया है, प्राइस में कितना अंतर है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों में से आपको कौन सा बेहतर लगा, आप कौन सा खरीदना चाहेंगे, या फिर आप P150 पहले से यूज़ करते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप SP160 का कंपेरिजन किसी और बाइक के साथ देखना चाहते हैं, जैसे कि होंडा यूनिकॉर्न, टीवीएस अपाचे टीआर 162B मॉडल, तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में भी कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा SP160 का किसी और भी बाइक के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या अंतर है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। बाकी इस वीडियो में जितनी भी जानकारी थी इन दोनों बाइक्स रिलेटेड मैंने आपको दे दिया है, फिर अगर मन में कोई डाउट रह गया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।